अस्सलाम वालेकुम दी, आज हम बनाएंगे हलवा और पूरी। हमने 1 कप सूजी ली है, ये 1 कप चीनी और ये 2 कप चीनी। 1 कप सूजी में 2 कप चीनी जाती है, ठीक है जी। और इसमें जाएगी किशमिश, बादाम, ये 4 छोटी इलायची, अब हम बादाम को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इसका छिलका उतर जाए। ये जो हमने पानी लिया था 3 कप, ठीक है, इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। इतनी देर हम सूजी करेंगे। ये देखें 2 कप चीनी इसमें ऐड कर दी है। हम इसको अलग स्टोव पे रख देंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ये जर्दा रंग पानी में, ठीक है जी। हम अलग स्टोव पे रख देंगे। इतनी देर हमारी सूजी रेडी होगी, इतनी देर में ये चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी, ठीक है। और ये जो हमने किशमिश ली थी, हमने धो ली थी, वो भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे, ठीक है जनाब। अब ये हम अलग स्टोव पे रख दें पकने के लिए और अब हम हलवा स्टार्ट करते हैं। अब जो सारी चीजें एक हिसाब से लेनी है, सूजी में तकरीबन घी डालें, ऑयल डालें, ये देखें ये घी लिया मैंने 1 कप, 1 कप से थोड़ा सा नीचे, अगर कम रहेगा तो और डाल देंगे। 1 कप ही सूजी है, 1 कप ही घी जाएगा। हमने ऑयल डालना है, ऑयल डाल देंगे, देसी घी डालना है, मक्खन डालना है, लेकिन जाएगा ये 1 कप ही, 1 कप से कम नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें सूजी ऐड कर देते हैं और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये 1 छोटी इलायची, थोड़े इनके मुंह खोल देते हैं, ठीक है। अब इसे हम दरमियान में आग से भूनेंगे। इलायची हमने सूजी में डाल दी है, ये देखिए इसका इसका कलर चेंज हो रहा है और सूजी से घी भी अलग होना शुरू हो गया है। इधर हमारी सूजी भी, ये देखिए सूजी का कलर चेंज हो गया, ठीक है जी। इधर हमारा पानी भी रेडी हो गया है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये बादाम भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी। इसमें ये किशमिश भी आ गई है, देखिए बादाम भी है।
यहाँ पर आप इसको कवर भी कर सकते हैं कि ज्यादा जल्दी ये जो है गल जाएगी सूजी। ठीक है, चलो जी देखते हैं। ये देखिए ये हमने कवर कर दिया था। ये सूजी सारी इसकी गल गई है। ये थोड़ी देर और पकाएंगे, फिर हम इसको दम पे रख देंगे। इसके नीचे फ्लेम हम बंद कर देंगे क्योंकि हमें ज्यादा सख्त नहीं हलवा चाहिए। ये देखिए, ये थोड़ी देर के बाद इसको बंद कर देंगे। ये अभी इसकी सूजी जोन सी है, इसमें थोड़ी और फैलेगी और ये एकदम से और ज्यादा थिक हो जाएगा। हमें पूरी के साथ खाना है तो हमें इसी हालत में इसको बंद करना पड़ेगा। सूजी का सारा दाना ये देख ले गल चुका है, और जब हम दम पे देंगे इसको, ये देखिए किशमिश भी आ जाती डन है इसमें। बस अपने यहाँ पर चूल्हा ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ी देर दम में देते हैं, उसके बाद डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। चलिए जी हलवा देखते हैं। यहाँ पे ही देखिए, ठीक है, यहाँ हलवा बन के रेडी है। ये कप तकरीबन 2 कप हो गए, 3 कप, ये 4, तकरीबन 5, 5.5 कप हो गया। थोड़ा एक्स्ट्रा चला गया, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसी कप में। इसमें हम 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे, और ये 1/2 चम्मच इसमें जो नमक जाएगा, तकरीबन 2 पिंच मीठा सोडा जाएगा इसमें, और हम इसमें पानी ऐड करते हैं। ये हमने आटे वाले पानी 1 कप ले लिया था, 1 कप तकरीबन 2 कप हल्का गुनगुना सा पानी लेना, फिर इसको देखना।
चलिए जी, हमने जो मैदा इसकी पूरियों की डो लगा के रखी थी उसको चेक करते हैं। ठीक है जी, अब हम इसकी पूरी बनाएंगे, पूरी बना के फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है जी, चले जी हम अपनी पूरी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। और इसमें हम ऑयल डालेंगे, इधर हमारा ऑयल गरम हो रहा है, इधर हम पूरियां बनाते हैं। चलिए जी, हम पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया और तकरीबन हम इतने ही स्थान में लेंगे इसकी जो पूरियां बनानी है। ठीक है जी, आटा देखते हैं हमारा कितना अच्छे से समूद होके बना। हम इनको बेलना शुरू करते हैं। ऑयल लगा लिया इस पे चिपकेगी नहीं। ठीक है जी, हमें थोड़ा सा इस पे भी लगाना चाहिए ऑयल। देखिए हाँ, हमने किनारों की तरफ से इसको बेलना है बस ऐसे, ताकि ये पतली हो जाए थोड़ी। बाकी हम इसको हाथ से बनाएंगे। ठीक है जी, उस पे इसको बेल के और रखते जाना, फिर हम एक साथ ही इसमें डाल के हमारा ऑयल हो चुका है, पूरी डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बाजार जैसी आपकी पूरियां बन के रेडी होंगी।
चलिए जी, हमारी हलवा पूरी रेडी है। ये देखिए, ये हमारा हलवा और ये हमारी पूरी। ये देखिए सॉफ्ट कितनी है, ये देखिए। ठीक है जी, हमें सॉफ्टनर नहीं चाहिए होती है। ये देखिए, ये हमारी हलवा पूरी। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसा इसका ये बना है। बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।